हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम आए हैं जीटी और WTV मतलब एक साथ ही रहते हैं। और भाई आज है 24 दिसंबर 2022, यानी कल मैरी क्रिसमस है, मतलब क्रिसमस है लेकिन वो मैरी क्रिसमस है। तो भाई ये देखो क्या सजा हुआ है जीटी, और मैं आप लोगों को यहाँ की एम्बियंस दिखाता हूँ, कितनी तगड़ा माहौल रहता है। लोग बाग यहाँ पे गेड़ियाँ मारने आते हैं, और भाई ये देखो कितना प्यारा सजा हुआ है जीटी, मतलब अमेजिंग यार। मतलब यहाँ की एम्बियंस ही अलग होती है। ये देखो दूर दूर तक यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, मतलब बहुत मज़ा बन जाए ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखो भाई मेन तो ये है, और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ पे एफिल टावर। यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं खाने पीने की, कुछ भी खा सकते हो पी सकते हो। और ये यहाँ पे बना रखा है भाई एक एफिल टावर, और इसके अंदर पटक रखी है रुई, जो कि काम कर रही है स्नो का। और यहाँ पे भाई आ रखी है भयंकर पब्लिक, क्योंकि आती है लोग बाग देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, कोई खाने पीने के लिए आता है, कोई गेड़ियाँ मारने के लिए आता है हमारी तरह, तो हम तो घूमने के लिए ही आए हैं भाई। कुछ ऐसा है भाई जीटी। अभी WTP भी दिखाएंगे आप लोगों को, और मतलब मेन जो अगर आपको देखना है ना लाइटिंग्स और ये सब, तो वो ये वाला ही एरिया है जहाँ पे आपको दिखेगी सबसे ज़्यादा लाइटिंग्स और ये। और बाकी यहाँ पे देखो रोड कैसी मतलब प्यारी सी लगती है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप मतलब अगर आप बहुत सैड भी होगे ना तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, खुश हो जाओगे आप। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनको ला सकते हो झूला झुलाने। और यहाँ पे पीछे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडी। आई एम लविंग इट। तो अंदर जाके आप जो भी आपको खाना है वो खा सकते हो। और यहाँ पे भाई कोई कमी ही नहीं है कैफेज और क्लब्स की, तो बहुत देखो वो दिख रहा है आपको द बियर अफेयर, देखो नाम देखो। यहाँ पे दो क्लब्स है जीटी के अंदर जिनका नाम है हब 40 और 2 हाई, दोनों बहुत बढ़िया क्लब्स है। और वो वहाँ पे देखो लाउंज बार रेस्टोरेंट, तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जहाँ पे भी जाना चाहो आप जा सकते हो। और बाकी ये तो यहाँ की शान बढ़ा ही रहा है, एम्बियंस सबसे ज़्यादा यही बढ़ा रहा है यहाँ पे। और देखो भाई क्या ही तगड़ा माहौल है। तो यहाँ पे भाई हम अंदर की साइड आ गए थे, और यहाँ पे भाई ये चल रहा है देखो। Are you ready to sing with me guys? This song, Gulabi Yogi. भाई अभी जो पहले मैंने आपको एम्बियंस दिखाई थी वो थी ओल्ड जीटी की, और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जीटी सेंट्रल। सो गाइज ये है जीटी सेंट्रल, और भाई इसकी डेकोरेशन देखो क्या प्यारी हो रखी है, मतलब यार क्या ही बना के रखते हैं ना, मतलब मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो। अरे यार यहाँ पे ये फैंस और लगा रखा है, ये देखो गाइज क्या ही बना रखा है भाई। यहाँ पे भी जैसे वहां पे एफिल टावर बना रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना रखा है। वो वाला क्रिस्टल कोर्ट है ये ओल्ड जीटी, और ये तो इधर वेस्ट साइड और स्टारबक्स है। और भाई ये देखो यार यहाँ की एम्बियंस, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाइस। अगर मैं पूरे रोड की एम्बियंस की बात करूँ ना, तो ये देखो और उधर है भाई वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वो जो सामने दिख रहा है ना ये बिल्डिंग कांच की सी, वो वर्ल्ड ट्रेड पार्क है। और अगर आपको स्टारबक्स देखना है तो ये रहा भाई स्टारबक्स। इसका लोगो क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, मालूम नहीं है। और अगर हो आप अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच
और अगर आप खरीदना चाहते हो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैगवार तो आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है टीएनटी मोटर्स। ये देखो मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, और भी है अभी वो दिख नहीं रही। और इधर वेस्ट साइड है, अगर आप हो अल्ट्रा प्रोमैक्स रिच तो आप इससे क्लोज भी खरीद सकते हो, और सामने तो स्टारबक्स है ही। तो ये पूरा एरिया है अल्ट्रा प्रोमैक्स रिच लोगों का, और वो वर्ल्ड ट्रेड पार्क। और भाई यहाँ पे देखो ये कोई अमरनाथ जू सेंटर है, उसकी डेकोरेशन देखो भाई अंदर की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर तक डेकोरेशन। ये देखो भाई, मतलब क्रिसमस इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई, मतलब सही है यार। ये देखो डेकोरेशन देखो भाई एक बार, तो गाइज अब हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने। जो मैंने आपको अमरनाथ जूस सेंटर दिखाया था उसने यहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशन कर रखी है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सहयोग करें इसको, और हम यहाँ पे आ गए चाय पीने। और वहाँ पे भाई गाना चल रहा है गिटार के साथ, ये देखो भाई। सो माहौल एकदम सेट है फुल, तो अभी हम पीते हैं चाय। यहाँ पे चाय है 25 रुपए की कुल्लड़ वाली, देख लो भाई। तो अभी हम आए थे WTP के सामने, लेकिन इसके हाव भाव देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बंद हो चुका है। टाइम अभी हुआ है 10:11 रात के, और भाई ना तो कोई डेकोरेशन है, और लगता है कि ये बंद हो चुका है। अब कल हो सकता है यहाँ पे कुछ हो डेकोरेशन या वैसा कुछ, अभी तक तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ना ही अंदर भी कोई डेकोरेशन नहीं है। बाकी ये अपने आप में ही एक डेकोरेशन है, वो बात अलग है, बट उसके अलावा क्रिसमस स्पेशल कोई डेकोरेशन नहीं है। तो भाई यहाँ तो कुछ, तभी यहाँ पे भीड़ भी नहीं है भाई, आप देख सकते हो खाली पड़ा है, कोई 2-4 लोग हैं। तो यही कुछ सीन है, माहौल तो उधर बन रहा है भाई GT वाली साइड, उधर लोग भाई घुमाए जा रहे हैं गाड़ियाँ मस्त। यहाँ से ही कितनी चमक उठ रही है भाई वहाँ की, अलग ही लेवल की भाई। तो मज़ा तो उधर है, वाइब तो उधर है। तो भाई यहाँ पे हम निकल चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क और GT से, और ये हमारी भाई जयपुर की रोड्स हैं जिन पे लाइट्स लग रखी है ये तिरंगे वाली, और देखो भाई आगे तक है बिल्कुल ये लाइट्स, तो नज़ारा एकदम मस्त आता है। और यहाँ पे ये मेरा भाई ड्राइव कर रहा है, और यहाँ से हम लेंगे यू टर्न और निकल जाएंगे घर के लिए। ये नॉर्मल रोड आ गई है, इस पर कोई तिरंगे वाली लाइटें नहीं है, बजट कम था सरकार का थोड़ा, तो वही मेन रोड पे लगा पाई, इधर नहीं लगा पाई। और ये यहाँ पे भी खूब सारे रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हैं, इस रोड भरी पड़ी है ये तो रेस्टोरेंट्स और क्लब्स से। ये देखो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।